Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 6. आज मैं आपको class 6 की science पढ़ाऊंगी. Science में page number 5. Open page number 5. Chapter number 1. Sources of food. Chapter number 1 में हम food के जो sources हैं उसके बारे में हम study करेंगे. Means sources of food. इस parts को chapters को मैंने 2 parts में divide किया हुआ है. तो आज हम part 1 study करेंगे. देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम खेलते हैं, काम करते हैं, यानी कि ये हमारे डेली के वर्क होते हैं. जैसे डेली बच्चे खेलते हैं, वर्क भी करते हैं, बड़े भी हैं, हम वर्क करते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, डेली हम वर्क करते हैं, प्ले करते हैं. तो हमें इन कामों को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी. अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, जो हम डेली ईट करते हैं. ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जिसे हम डेली ईट करते हैं. और फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? जो फूड हम ईट करते हैं, फूड हमें न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर वो हमें देता है और हमें हेल्दी रखता है, यानी कि हमें स्वस्थ रखता है. अब जैसे हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? काम करने के लिए, प्ले करने के लिए, और पूरे दिन में जो हम अलग अलग तरह के और भी काम करते हैं. जैसे मम्मी हैं, मम्मी देखिए घर में बहुत अलग अलग तरह के काम करती हैं. सुबह उठती हैं, घर की सफाई करती हैं, आपके लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाती हैं, फिर सभी के जो क्लोथ्स हैं उनको वॉश करती हैं, मार्केट का भी काम करती हैं. तो देखिए मम्मी ये सब काम कैसे करती हैं? ये सब काम करने के लिए मम्मी को क्या चाहिए? एनर्जी. तो यानी कि अलग अलग तरह के काम होते हैं, पूरे दिन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हर एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब जैसे आप हैं छोटे बच्चे, आप भी तो छोटे बच्चे हो, तो जैसे आप हो सुबह उठते हो, आप मम्मी की हेल्प करते हो या फादर की हेल्प करते हो, गार्डन में आप पानी देते हो, पापा की जो बाइक है या कार है उसको साफ करने में आप हेल्प करते हो, या मार्केट से अगर मम्मी कुछ सामान मंगाती तो आप मार्केट जाकर सामान ला कर देते हो, आप खेलने भी जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आप कुछ भी काम करते हो. हर काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. यानी कि हम पूरे दिन में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उस सभी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. अब देखिए जो फूड है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों से मिलता है. जो फूड है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से देखिए हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. तो जो फूड है वो हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है. अच्छा फूड, हम फूड खाते हैं. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए भी. अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम खेल भी नहीं पाएंगे. आप खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे. तो खेलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है.
जो फूड है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब फूड लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है, हमें क्या क्या मिलता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। सबसे पहले फूड हमें प्ले करने के लिए और हर तरह का वर्क करने के लिए एनर्जी देता है। और फूड का सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकंड फंक्शन ये होता है कि जो फूड है वो हमें उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो डैमेज सेल हो जाते हैं, जो सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्रॉपर फूड लेते हैं तो हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर होती है ना। आप बच्चे हो, आप प्रॉपर फूड लोगे तो आपकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। ग्रोथ मीन्स आप छोटे से बड़े हो जाओगे, तो यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। और फूड लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो नए नए सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। अगर हम फूड नहीं लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स, नए टिश्यू नहीं बनेंगे। इसके बाद इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। और जो फूड हैं वो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। जब हम फूड प्रॉपर फूड लेते हैं तो हम बीमार भी नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें बीमार होने से बचा रहा है, फूड हमें बीमार होने से बचा रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम जब बीमार नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, यानी कि स्वस्थ रहेंगे। तो जो फूड है वो हमें हेल्दी रखता है और हमें बीमार होने से बचाता है, यानी कि हमें बीमारी से बचाता है। तो ये फूड के क्या हैं फंक्शन, फूड लेने से हमें ये इतने फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए हमें फूड लेना ज़रूरी होता है। अब देखिए फूड जो हमें एनर्जी होती है वो हम फूड से मिलती है, और हमें हम अलग अलग तरह के फूड लेते हैं जो हम अपनी डाइट में जो भी हम खाते हैं अलग अलग टाइप का फूड लेते हैं। अगर हम एक लगातार सिंपल फूड खा लेते हैं तो सिंपल फूड लेने से हमें सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जा पाते, यानी कि हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक ही तरह का फूड लेंगे तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इसलिए हमें प्रॉपर फूड, पूरा कंप्लीट फूड हमें लेना चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए फूड अगर हम ना लें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको मम्मी ने सुबह मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कुछ भी खाने को नहीं दिया तो आप कैसा फील करोगे, टायर्ड एंड वीक, मतलब कमज़ोर और थका हुआ महसूस करोगे, क्योंकि मम्मी ने आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब हम कुछ भी फूड नहीं लेते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, टायर्ड एंड वीक। इसी तरह से अगर कोई इंसान लॉन्ग टाइम तक फूड प्रॉपर नहीं लेता है तो उसका वेट कम हो जाता है और वो बीमार हो जाता है। तो इसलिए और काम करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, वर्क करने की जो एबिलिटी होती है वो उसकी
डिक्रीज होती जाती है, इसलिए हमें प्रॉपर फूड लेना चाहिए। अब देखिए पेज नंबर सिक्स। अब हम बात करते हैं रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो हमारा इंडियन फूड है वो अलग अलग तरह का इंडियन फूड है, और जो फूड इंडियन फूड है वो कल्चर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, कि जिस जगह का क्लाइमेट अलग है या कल्चर अलग है तो वहाँ का फूड अलग है, तो इसलिए अलग अलग कल्चर और क्लाइमेट का फूड अलग अलग होता है। अब जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे दाल, राइस, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, ये हमारे फूड आइटम हैं। ये चीज़ें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, यानी कि ये फूड आइटम आपको हमारे इंडिया के अंदर हर जगह मिलेंगी, लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें प्रॉपर उसी जगह पर मिलते हैं, हर जगह पर नहीं खाए जाते। जैसे एग्जांपल पंजाब, पंजाब में कौन सा फूड ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, पंजाब में ये चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में सांभर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जो कोस्टल एरिया का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे की जगह होती हैं उन्हें हम कोस्टल एरिया कहते हैं, जो जगह समुद्र के किनारे पर बसी हुई हैं तो वो कोस्टल एरिया हो गया। तो वहाँ के लोग फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे सीरियल्स यानी वीट होता है, गेहूं खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर जो साउथ पार्ट है, साउथ स्टेट में, वहाँ पर राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो साउथ इंडिया में जो फूड आइटम हैं वो मेनली या तो वो उसको रोस्ट करते हैं या फिर उसे स्टीम करते हैं। रोस्ट का मतलब होता है भुनना, भूनते हैं हम उसे कहते हैं रोस्टेड, और स्टीम का मतलब होता है भाप से पकाना। तो साउथ इंडिया में जो उनका फूड होता है वो भाप से पकाते हैं या फिर उसको भून कर पकाते हैं, तो वहाँ पे जो फूड होता है वो रोस्टेड और स्टीम किया हुआ मिलता है। इसी तरह से वहाँ पर जो राइस है वो रसम और सांभर के साथ सर्व किया जाता है, यानी कि परोसा जाता है, सर्व किया जाता है साउथ इंडिया में। अच्छा, हम कहाँ पर रहते हैं अपने इंडिया में? आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के अंदर हम जिस जगह पर, यहाँ जैसे हमारा अलीगढ़ है तो अलीगढ़ किसके अंदर आता है? यूपी के अंदर। तो जो यूपी स्टेट है वो हमारी इंडिया में किस रीजन में आता है? नॉर्थ रीजन में। तो यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे यहाँ पे रहने वाले पीपल हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? पराठास। मम्मी पराठे बनाती हैं ब्रेकफास्ट में, कभी सिंपल पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी गोभी के पराठे, है ना, या चपाती। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में पराठे, चपाती, दाल, वेजिटेबल, कर्ड, ये सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाती हैं और इन्हें खाना पसंद करते हैं। खीर एंड कुल्फ़ी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पसंद करते हैं? हमारे नॉर्थन डेजर्ट में, यानी कि नॉर्थ साइड में जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर खीर और कुल्फ़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारे नॉर्थ इंडिया में जो चाय है यानी कि टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे चाय सब ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कोई भी आता है चलो जल्दी से चाय बना दो, तो नॉर्थ इंडिया में टी ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसी तरह से जो साउथर्न इंडिया है वहाँ पर
टी के बदले कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इन साउथर्न इंडिया दे लाइक मोस्ट कॉफ़ी। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। देखिए डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको जो बताया ये मैंने इंसानों के बारे में बताया कि हम जो अलग अलग रीजन में रहते हैं तो हर अलग अलग कल्चर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स हम खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स की भी फूड हैबिट होती हैं, क्योंकि सभी एनिमल एक जैसा फूड नहीं खाते, तो उनको वो भी अलग अलग टाइप का फूड खाना पसंद करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं प्लांट एनिमल्स। जो प्लांट एनिमल्स हैं वो प्लांट की तरह फूड प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि प्लांट तो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो एनिमल हैं वो प्लांट की तरह अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। इसलिए एनिमल्स जो हैं वो प्लांट और अदर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सो दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। अब वो कौन से एनिमल्स क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, वो हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में। देखिए हर्बीवोरस हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स ईट करते हैं, यानी या तो वो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से मिलने वाले कोई भी प्रोडक्ट। अब जैसे प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट हैं, उनकी लीव्स हैं, है ना, उनके फ्लावर हैं, तो वो प्लांट प्रोडक्ट हो गए। तो इन तरह की चीज़ों को जो खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। जैसे एग्जांपल हैं, देखिए यहाँ पे ये आप काव बनी हुई है और ये कौन है, डियर। तो इस तरह के और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे बफेलो है, ऑक्स है, गोट है, शीप है, ये कौन है, ये सभी एनिमल्स ऐसे हैं जो ओनली प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इसलिए इन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। अब देखिए हर्बीवोरस एनिमल में भी हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जो प्लांट के सिर्फ लीव्स खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ओनली सीड खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमने हर्बीवोरस एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फोलियोवोर्स। फोलियोवोर्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं, मीन्स दोज एनिमल्स विच ईट लीव्स, जो लीव्स खाते हैं उन्हें हम फोलियोवोर्स कहते हैं। सेकेंड टाइप है ग्रेनीवोर्स, दोज एनिमल्स विच ईट सीड्स, जो जानवर सीड्स खाते हैं यानी कि बीज खाते हैं उन्हें हम ग्रेनीवोर्स कहते हैं। थर्ड कैटेगरीज है फ्रुगीवोर्स। फ्रुगीवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट फ्रूट्स, जो एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं उन्हें हम फ्रुगीवोर्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने हर्बीवोरस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवोरस की, पेज नंबर 7, ओपन पेज नंबर 7।
कार्निवोरस। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये है लॉयन एंड दिस इज क्रो। अब देखिए कार्निवोरस, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मीट खाते हैं, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे टाइगर, लॉयन, ईगल, वॉल्चर, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट यानी फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं ओमनीवोरस के बारे में। ओमनीवोरस किसे कहते हैं हम? दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो जानवर दोनों खाते हैं, दोनों मीन्स प्लांट भी और एनिमल्स भी, तो उन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। अब जैसे दोनों चीज़ कौन कौन खाता है, जल्दी से सोचो, ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट भी खा जाता है और दूसरे एनिमल का फ्लैश या मीट वो भी खा जाता है। डॉग, देखो डॉग हमारे घर में होता है, हम डॉग को चपाती देते हैं, ब्रेड देते हैं, मिल्क देते हैं, सब खा जाता है। अगर उसके सामने हम मीट डाल दें तो वो मीट भी खा जाएगा। बोन्स खाता है, बोन्स डॉग को बहुत पसंद होती हैं, तो वो दोनों चीज़ खाता है। इसी तरह से बियर यानी भालू, वो भी दोनों चीज़ खाता है। अगर हम उसको प्लांट की कोई चीज़ें दे देंगे, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं कुछ भी, तो वो भी खा जाएगा, और अगर उसे फ्लैश मिल जाए किसी अदर एनिमल का तो वो फ्लैश भी खा जाता है। इसी तरह से क्रो यानी कौवा, सबने देखा होगा है ना, कौवा क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा मान लीजिए कचौड़ी खा रहा है ना, अब ऊपर आ गया क्रो, उसने देखा छोटा बच्चा कचौड़ी खा रहा है, चलो इससे कचौड़ी छीन लेते हैं, वो आएगा आपके हाथ में से कचौड़ी छीन के ले जाएगा और फिर वो अपना आराम से बैठकर खाएगा, तो उसने क्या किया, अपना फूड भी खा रहा है। और अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो उस जानवर का मीट भी खाएगा, वो भी खाता है, तो क्रो जो है दोनों चीज़ खाता है। उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान भी क्या हैं, ओमनीवोरस। आपने कहा कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे मुस्लिम होते हैं, हिंदू में भी बहुत होते हैं जो हम अपनी जैसे वेजिटेबल भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, यानी दोनों चीज़ खा रहे हैं हम। मीट किसका होता है, एनिमल का होता है, तो एनिमल का मीट भी खाते हैं वो, और जो हम वेजिटेबल हैं, चपाती हैं, वो हमें प्लांट से मिलती हैं, यानी कि प्लांट की चीज़ें भी हम खा रहे हैं और एनिमल से जो हमें मिला, जैसे एग है, हम एग खाते हैं है ना, एग है, मीट है, ये हमें एनिमल से मिलती हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी एक कौन है, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस हम उन्हें कहते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, देखिए स्कैवेंजर्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो मरे हुए जानवर की बॉडी को खाते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है, वो कहीं पड़ा हुआ है मरा हुआ, और दूसरे एनिमल आए और वो मरे हुए जानवर की बॉडी को उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो देखिए स्कैवेंजर्स कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल है हमारे जैसे क्रो है, जैकाल है, वॉल्चर है, ये सभी स्कैवेंजर्स होते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवर की बॉडी को खाते हैं, तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं। तो स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को
क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई जानवर मर गया, अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। लेकिन अब उस एनिमल को जो दूसरे एनिमल ने खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसे क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो गया, गंदगी जो थी वो ख़त्म हो गई, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स। ओ ये कौन है, मॉस्किटो। आजकल सबके घरों में मच्छर हैं, बहुत मच्छर हैं, आजकल सोने भी नहीं देते हैं, बहुत मच्छर हो रहे हैं। तो मॉस्किटोज कुछ भी लगा लो घर में, मॉस्किटोज भागते ही नहीं, मरते भी नहीं हैं। तो पैरासाइट, पैरास मॉस्किटो कौन है, पैरासाइट। तो पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं, दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जीव पर, यानी कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। अब जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमें बाइट करता है, मच्छर हमें काटता है, तो काटने के साथ साथ क्या करता है, वो हमारी बॉडी से ब्लड को चूस लेता है, तो उससे उसको क्या मिल गया, फूड मिल गया। तो यानी कि इसने हमारी बॉडी से फूड लिया है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी बॉडी पर। इसी तरह से वो दूसरे इंसान को काटेगा, बाइट करेगा, तो उसकी बॉडी से ब्लड लेगा, तो उसने वहाँ से भी फूड ले लिया। इसी तरह से मॉस्किटो के साथ साथ हुकवॉर्म और टेपवॉर्म, ये भी पैरासाइट होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे एनिमल्स पर, किसी भी लिविंग बॉडी पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो आज की वीडियोस में हम इतना ही आपको बताएंगे। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।